बोलिए बाबा बासुकीनाथ की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय, बोलिए गजानंद भगवान की जय, बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय, बोलिए शिव परिवार की जय, बोलिए नंदी बाबा की जय। आइए प्रेमियों, सावन का महीना है और आज सोमवार के दिन बाबा बासुकीनाथ दरबार से लाइव चल रहा है और हमारे बीच शीतल भैया, रेशमी जी और पंकज अग्रवाल जी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और संजीव भैया भी आज दरबार में शामिल हैं। जैसा कि हमें लेट सूचना मिली, लेकिन संजीव भैया दरबार में शामिल हैं। बाबा बासुकीनाथ के दरबार में हर महीने बाबा बुलाते थे, लेकिन अभी चार महीने से पूरा हिंदुस्तान, हर मंदिर लॉक है, हर मंदिर लॉक भक्तों के लिए है। बाबा के तो वैसे ही पूजा अर्चना श्रृंगार और वैसे ही प्रसाद आरती हो रही है। बाबा बासुकीनाथ भी दरबार में विराजमान हैं और हम लोग जहाँ कहीं भी हैं वहीं से उनकी सेवा में हाजिरी लगा रहे हैं। आइए हमारे बीच संजीव भैया बाबा बासुकीनाथ जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय, बोलिए बाबा वासुकीनाथ की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। हो शिव डमरू वाले को दिल से न भुलाना तू, शंभु त्रिपुरारी की नित आरती गाना तू, शंभु त्रिपुरारी की नित आरती गाना तू। आरती गाना तू।
हो किस्मत के भरोसे पे कर्मों को किए जा तू। हो जी हो किस्मत के भरोसे पे कर्मों को किए जा तू। तो दिन की रवानी है हंस के जिए जा तू। ओ दिन की रवानी है हंस हंस के जिए जा तू। माया के दीवानों का कुछ खास न खाना तू। माया के दीवानों हरे
बोलिए बाबा वासुकीनाथ की जय। हेलो 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 जो कि मुझे बहुत प्रिय है और अभी के समय में मुझे लगता है ये सटीक जाती है। तो ये संदेश सभी प्रेमियों के लिए जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए। वो किस बात का करे किस बात का करे गुमान लेख यहाँ किसने बाँचा है किस बात का करे गुमान लेख यहाँ किसने बाँचा है वो तू मिल ले कभी खुद से समर्थ होते हुए भी हमारे वश में कुछ नहीं होता। विगत चार महीनों से हम यही देख रहे हैं यही सुन रहे हैं काल में देखे बालापन ना देखे जवानी बुढ़ापा Bye.
का हो या कुरूप का, अमीर गरीब जानी अजानी रूपा हो या कुरूपा। मोहलत न मिले फल की, मोहलत न मिले फल की, काल को किसने आता है। मोहलत न मिले फल की, काल को किसने आता है। ले ले शरण
नाम की बंदे हरि नाम अनमोला, नाम की बंदे हरि नाम अनमोला, ले शरण नाम की बंदे हरि नाम अनमोला, नाम की बंदे हरि नाम अनमोला, ऐसो रतन नाम श्री हरि को, ऐसो रतन नाम श्री हरि को जाए कभी ना छोड़ा, ऐसो रतन नाम श्री हरि को जाए कभी ना छोड़ा। हरि के आंगन में नाचो, हरि के आंगन में नाच, जगत में बहु विधि नाचा है, हरि के आंगन में नाच, जगत में बहु विधि नाचा है, हरी गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरी गो।
किया, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि जो श्याम बाबा के प्रेमी हैं उन्होंने ज़रूर यही काम किया होगा जो हम लोगों ने किया है। और आदरणीय बिन्नू जी की रचना बड़ी सुंदर रचना, खूब ध्यान से सुने। लोगों के मन में तकलीफ है, सबके मन में तकलीफ है, खाटू धाम दर्शन नहीं हो रहे। जिसके भी जो इष्ट हैं, चाहे बाबा वासुकीनाथ का मंदिर हो या कोई भी देवस्थान हो, लेकिन विश्वास और आस्था बड़ी चीज होती है। भगवान हमसे दूर नहीं है, बाबा भी दूर नहीं है, बाबा भोलेनाथ भी दूर नहीं है, बाबा श्याम भी दूर नहीं है, बस विश्वास की बात है। मैं रोज सुबह और शाम लेता हूँ तुम्हारा नाम, मैं रोज सुबह और शाम लेता हूँ तुम्हारा नाम, शाम तुम मेरे हो, शाम तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।
तुझे जाना, अपना तुझको माना, बचपन से तुझे जाना, अपना तुझको माना, हर वक्त मिला मुझको तेरे प्यार का नजराना, बचपन से है और शाम
शिव शंकर हे प्रलयंकर हे जग के रखवाले हे शिव शंकर हे प्रलयंकर हे जग के रखवाले तेरे बिना मेरी कौन सुनेगा से कावड़ भरते हैं और कावड़ भरते समय बीच गंगा के बीचों बीच जो मंदिर है वो अजगबी नाथ का मंदिर है। ये मुझे भी सौभाग्य मिला
बाबा के श्री चरणों में तीन बार कांवड़ चढ़ाने का, एक बार बाबा बैद्यनाथ के दरबार में, दो बार बाबा वासुकीनाथ के दरबार में। सच्चा दरबार वासुकीनाथ दरबार, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहाँ पर प्रभु के दरबार में मनोकामना पूर्ण दरबार है। और उस दरबार से 9 किलोमीटर आगे वरदानी बाबा का दरबार है, बहुत सच्चा दरबार, जहाँ पर सिर्फ जंगल है, एकदम पगडंडियों के बीच में से, खेतों के बीच में से होकर जाना पड़ता है। और बाबा भोलेनाथ के सिर के ऊपर सिर्फ एक छत है, लेकिन वरदानी बाबा के दरबार में कहावत है, जिसकी मनोकामना होती है और वो मनोकामना अगर वो करता है पूर्ण होती है, तो लोग वहाँ पर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और पूरे गांव को भोजन कराते हैं, और गांव के लोग आकर लाइन लगाकर खिचड़ी का भोग लगता है। तो ऐसा भोलेनाथ है हमारा, जो हम लोग सब कुछ हमारे लिए दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने लिए शरीर पर कपड़े नहीं रखे, सब हमें ये जेवर सब हमारे लिए, अपने गले में सांप बिच्छू। तो ऐसे भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ का एक बहुत पुराना भजन हरिओम नमः शिवाय। मैं निवेदन करूंगा, डायरेक्ट वासुकीनाथ दरबार में हाजिरी लग रही है, ये वासुकीनाथ के दरबार से ये लाइव चल रहा है, इसलिए सब कोई मिलकर इस पुष्प को बाबा के श्री चरणों में दिशा। फिर भी बाबा ने इतनी कृपा कर रखी है, यहां तक पहुंचा रखा है, न सुर का ज्ञान है न ताल का ज्ञान है। और वही आज मैं, आज ऐसे ऐसे सुर वाले प्रवाहक हैं जो सिर्फ कॉर्ड पर स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रभु की कृपा के लिए आप अगर ध्यान लगाएंगे तो वो कृपा किसी पर भी हो सकती है, इसलिए आइए सभी को मिलकर बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
Yeah.
शायद 35-40 साल पुराना संजू भैया है ना, और क्या बताऊं इस भजन के बारे में। और हर घर में भोलेनाथ है, हर घर में शिव जी विराजमान है, और हरिओम की माला जिस घर में जपी जाती है उस घर में शिव पार्वती जी पूर्ण परिवार हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये भी बहुत पुराना भजन मैं समझता हूँ, आदरणीय ब्रह्मलीन श्री गोपाल जी भाटिया की ये रचना है। आइए और इसके बाद एक भजन बाबा श्याम के श्री चरणों में रख के आइए। हरिओम की तू माला क्यों न फेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। हरिओम की तू माला क्यों न फेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। करे
सब दुख दे, हरि ओम की तुम्हाला तुना फेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। शाम के श्री चरणों में रखकर संजू भैया बताइए कौन सा आई जी जिस संजू भैया डिमांड है तू क्यों घबराता है इस
समय के लिए शायद ये भजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इस समय बड़ा से बड़ा तुर्रम खान भी परेशान है, रात को सोता है तो वो करवट नहीं बदल पाता। हर समय जिसके पास सब कुछ है उसको भी टेंशन है, और जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए टेंशन है ही है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो भी बहुत परेशान है। और ऐसे समय में श्याम सरकार बिल्कुल कलयुग का सच्चा देव, कहते हैं इस दरबार में जो कभी नहीं गया और पहली बार जाता है, अनजाने में चला जाता है, बिना सोचे जाता है, उसको तुरंत पकड़ लेता है। इसमें भी फर्क है, पहली बार जाने वाले का तो काम बनाता ही है, लेकिन कोई तुक्के से चला जाता है। जयपुर बिजनेस करने गया है, किसी ने कह दिया कि 80 किलोमीटर श्याम का दरबार है, और वो तुक्के से ही चला गया, रास्ते में कुछ सोचा ही नहीं कि जाके क्या कहूंगा, बस उसको वहां पर ऐसा कुछ दे देता है कि वो उसके बाद लगता है कि सबसे पुराना प्रेमी हो गया है। ये इस दरबार की खासियत है, खाटू वाले श्याम के दरबार की। तो आइए, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है, जगा।
रास्ता मिल जाता है जब मालिक है सर पे, क्यों जी को जलाता है क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है। Thank you.
हमको मिले हो सांवरे, तुम तो नसीब से हमको मिले हो सांवरे, तुम तो नसीब से मेरे दुखों को देखा है तुमने करीब से, मेरे दुखों को देखा है तुमने करीब से। छाई घटाए पर मेरा सूरज नहीं ढला, चलता रहे बस सांवरे यूं ही ये सिलसिला, छूने दिया जो प्यार वो कहीं और ना मिला, चलता रहे बस सांवरे यूं ही सांवरे यूं ही ये सिलसिला। बोलिए सच्चे दरबार की, बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती